दोस्तों आज हम 10वीं क्लास की साइंस की रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें यह आज हम सीखेंगे कि किस तरह से संतुलित करते हैं। देखो अपने ये हमारा हाइड्रोजन है, मेरा हाइड्रोजन दो भाग है इसके हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के इसके दो भाग है। हाइड्रो एच टू और एन टू को जोड़ने पर वो कहता है एन एच थ्री है लेकिन ये गर्द है, इसको संतुलित कैसे करेंगे? इसको ये कंकालित है, कंकालित बोलते इसको कंकालित और ये है इसका संतुलित। तो संतुलित करने के लिए पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर संतुलित करने के लिए सबसे पहले ये जो इधर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ये थ्री है दो तीन करने के लिए क्या करेंगे? अब हमने इसके आगे दो लगा दिए, देखो यहाँ पर दो लगा दिया, इसका कर ले एन एन तो है आपका दो और एच है आपका तीन, तीन और तीन छह, तीन दुनी छह गुणा होता है ना यहाँ पर छह हो गया। इसलिए अब क्या करें हम यहाँ पर लगा दिया थ्री, तीन लगा दिया यहाँ पर लगा रखा थी लगा दिया और तीन लगा दिया तीन गुणी छः अगर छः और ये देखो एन टू तो एन टू ये दो दो, दो, दो आ गए। इसमें कितना दे रखा है एक, एक ही दे रखा है इसमें, ये देखो एक दे दिया हमने इसका कर ये 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 यहाँ पर कितना है दो है तो यहाँ पर दो लगाने पर पूरा बन गया ये दो एन हो गया और एच कितना है एच टेन एच सिक्स आ गया इसमें है ना। अब क्या ये हमारा संतुलित बन गया उसके बाद सेकंड के अंदर देखो हाइड्रोजन सल्फेट है ये गैस है ये भी गैस है ऑक्सीजन है इसके पार्ट के अंदर देखो एच टू और लवण होता है जल होता है एसओ टू सल्फर ऑक्साइड हो गया ये। इसके अंदर क्या संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले ये दे देंगे एच यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है इसका होगा यहाँ पर चार एच आ गया अगर चार तो क्या करेंगे चार चार करेंगे तो दो और दो दो तो हो गया और दो एन ये दो ये रहा एस यहाँ पर सिंगल है एस सिंगल दे रखा है ना एक दे रखा है लेकिन यहाँ पर इसने कितने दे दिए दो दे दिए दे रखे हैं दो इसलिए हम एस को दो करने के लिए हम क्या करेंगे इसके आगे हम दो लगा देंगे टू दो आ गया हमारा एस तो अब हमारा कितना है दो लगा दे एच एच कितना हो गया चार हो गया चार हो गया तो ये हमारा ये क्या है दो है इसके आगे हमने क्या लगा दिया दो 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 चार पूरा हो गया है ना। उसके बाद में और तो कितना है तीन दो छः छः तो दो भाग तो यानी और तो मतलब छः कैसे हो गए क्योंकि दो ये हो गया दो और एक तीन हो गया दो और एक तीन हमने यहाँ पे क्या किया तीन लगे ठीक है हमारी ठीक बोलते इसको तीन हो गए छः हो गए तो देखो चार तो ये रहे और दो चार दो कितने हो गए छः पूरे हो गए फोर सिक्स हो गए ये भी हमारा संतुलित हो गया है। सेकंड पार्ट के अंदर बैरियम क्लोराइड दे रखा है इसने और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम सल्फेट इसके अंदर कहते हैं एस ओ फोर बारह ए एल सी एल पी ए इसके अंदर क्या करेंगे करेंगे देखिए तीन गुणी छः ये देखो तीन गुणी छः बन गया इसका तो क्या मालूम यह भी तीन गुणी छः बनाना पड़ेगा यानी कि ये तो दो है इसलिए इसके आगे हमने क्या डाला तीन पूरा आगे। अब हमें पता चला बेरियम है हमारा तीन है तो बेरियम हमारा ये तीन यहाँ पर पता चले भी ये बेरियम तीन है तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया तीन डाल दिया अरे चारती है बारह बनता है ना चारती है बारह ये देखो चारती है बारह बनता है बनता है ना चारती बारह बनता है चारती बारह बनता है इसके बाद में एल्यूमिनियम ये एल्यूमिनियम है ये एल्यूमिनियम के पूरा पार्ट हो गया तीन दुनी छः और तीन दुनी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का दो पार्ट ही है सर एल्यूमिनियम के दो पार्ट है तो एल्यूमिनियम के दो पार्ट ही रह गए चाहिए दो ही रहेगा। तो आपको जो ये साइंस का जो साइनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें ये हमने पढ़ा संतुलित करने का बहुत ही वो मेथड है।
इसके अंदर पहले यहाँ देखिए तीन दे रखा है इसने, तीन दे यहाँ पर देखा दो दे दिया, हमें पता चल गया अभी यहाँ पर दो आएगा, ये हमें दो कर दिया, उसके बाद छः बन गए, इसलिए ये भी छः बन गया। नेक्स्ट ट्रिक के अंदर हमारा इसके अंदर क्या दे दिया, एच टू एस एस है, यह सिंगल दे दिया है ना, यह सिंगल है ये, तो हमें पता चल गया एच टू कितना है, टू है, एच टू ओ भी दे दिया, ये हमें पता चल गया ये एस दो है, दो हमने दो डाल दिया यहाँ पर, फिर ये कर दिया, उसके बाद में हमने ये दो यहाँ पर डाल दिया, एच टू ओ बन गया यहाँ पर, उसके बाद ये अंदर हमारा बैरियम कमेंट आ गया, हम यहाँ पर देखेंगे तीन है, यहाँ पर दो है, इसलिए हमने तीन डाल दिया, छः बन गया, यहाँ पर हमने दो डाल दिया तो छः पूरे हो गए, उसके बाद ये संतुलित हो गया, इसके अंदर यहाँ पर तीन डाल दिया हमने, क्योंकि ये हमारा थ्री है, बैरियम कमेंट तीन आ रहा है, ये थ्री थ्री है, तो हमने थ्री डाल दिया, तो पता चल गया फोर है, सेम का सेम यहाँ पर है। तो आपको ये अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।